इस तरीके से क्रिस्पी करारी मूंगफली, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, भारतीय क्यूजिन में आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपको बताऊंगी दो तरीके की मूंगफली माइक्रोवेव में रोस्ट करना। एक तो बेसन वाले करेंगे और एक नॉर्मल मसाले वाली। भाई देखते हैं किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे माइक्रोवेव में दो तरीके की मूंगफली। एक तो ये सादा मूंगफली बनाऊंगी मैं, मसाला डालूंगी इसमें, और एक बेसन वाली मूंगफली बना के बताऊंगी आपको। तो बनाना चालू करते हैं सादा वाले मूंगफली। इसके लिए हम लेंगे, मूंगफली ले ली है मैंने एक प्याला, नमक ले लेंगे, इसमें डालेंगे नमक, मिर्ची, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। बनाना चालू करते हैं। एक ऐसे फ्लैट कांच का बर्तन ले लेंगे, इसमें डाल देंगे ये मूंगफली और डालेंगे, इसमें डालेंगे एक चम्मच ऑयल। ज़्यादा नहीं चाहिए ऑयल, वैसे तो मूंगफली अपने खुद से ऑयल छोड़ती है, पर हमें मसाला को कोट करने के लिए इसमें ऑयल डालना है। डालेंगे नमक, आप अपने स्वाद अनुसार मसाला ज़्यादा कम कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, और चाट मसाला हम बाद में डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा मसाला, जिसमें मिक्स हो जाए ऑयल से सारा मसाला मूंगफली पर चिपक जाता है। और मूंगफली को इस तरीके से फ्लैट रखना है, एक के ऊपर एक मूंगफली नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से रखेंगे माइक्रोवेव में 4 से 5 मिनट के लिए। ये मूंगफली को हम माइक्रो मोड पर फुल पावर पर 4 मिनट के लिए, 1 2 3 4, 4 मिनट के लिए रख देंगे और माइक्रोवेव ऑन कर देंगे। बीच बीच में इसको हिलाते भी जाएंगे, उलट पुलट कर। 2 मिनट हो गए हैं और इसको हिला लेंगे। एक बार 3 मिनट के बाद चेक कर लीजिए कि सिक गई क्या। ये मूंगफली हमारी 4 मिनट में बनकर तैयार हो गई है, और अब हम इसमें चाट मसाला भी डाल देंगे। आप चाहें तो डालें, चाहे तो ना डालें। ये हमारी मसाला मूंगफली बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे माइक्रोवेव में दूसरी तरीके की बेसन वाली मसाला मूंगफली बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे बेसन वाली मूंगफली माइक्रोवेव में। बहुत ही कम ऑयल में ये बन जाएगी। इसके लिए हम लेंगे ये एक प्याला, हमने भीगी हुई मूंगफली ली है जिसको मैंने 15-20 मिनट भिगो दिया था। अब इसको पानी निकाल लेंगे इसका, और लेंगे बेसन आधा प्याला लेंगे, लेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक ले लेंगे, गरम मसाला लेंगे और थोड़ा सा आमचूर पाउडर और चाट मसाला। चाट मसाला पहले अंदर डालेंगे और फिर ऊपर से भी डालेंगे, और ऑयल भी ले लेंगे, और लेंगे थोड़ा सा हींग भी। सबसे पहले इस मूंगफली में से पानी निकालेंगे, यानी कि इसको छान लेंगे। मूंगफली को छानकर हमने एक तरफ रख लिया है। अब एक प्याले में डालेंगे बेसन, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा हींग,
आमचूर पाउडर और गरम मसाला, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला भी। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक चम्मच के करीब ऑयल भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अब इसमें ये भीगी हुई मूंगफली डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा पानी और डाल लेंगे इसमें, जिससे कि सारा बेसन मूंगफलियों पर कोट हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं लगाना है हमको इस पर। हल्का सा पानी के छींटे और डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो पानी ज़्यादा हो सकता है हमारा। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, हल्का छींटा मारना है पानी का, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है। ये देखिए बेसन मूंगफली पर अच्छे से कोट हो गया है और मूंगफली भी खिली खिली हो रही है, अलग अलग हो रही है। अब इसको उस डिश में डाल लेंगे जिसमें हमें को इसको माइक्रोवेव करना है। ये फ्लैट डिश ले लिए, हमेशा फ्लैट ही डिश लेनी है इसके लिए। और इसको पहले ग्रीस कर देंगे ऑयल से, अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। और इसमें ये जो मूंगफली के दाने हैं फ्लैटर तरीके से बिछा देंगे, इसमें फ्लैट करके एकदम से, एक के ऊपर एक नहीं आने चाहिए, नहीं तो मूंगफली चिपक जाएगी एक दूसरे पे। इस तरीके से फ्लैट करके इस तरीके से डिश में अच्छे से फैला देंगे और हल्का सा ऑयल इनके ऊपर भी लगा देंगे। अब माइक्रोवेव में 4-5 मिनट या जब तक क्रिस्पी ना हो माइक्रो मोड पे सेक लेंगे इनको। रख देते हैं माइक्रोवेव में। ये मूंगफली को हम माइक्रोवेव में रख रहे हैं, 4-5 मिनट इसको सिकने में लगेगा। टाइम सेट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, बीच बीच में खिलाते भी रहेंगे इसको और चेक कर लेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, एक बार माइक्रोवेव में से निकाल कर इसको अच्छे से हिला लेंगे, इससे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सिक जाए और जो मूंगफलियाँ चिपकी हुई हैं उसको भी हम निकाल देंगे, वापस से माइक्रोवेव में रख देंगे फिर फ्लैट करके। ये मूंगफली, बेसन वाली मूंगफली हमारी बनकर तैयार हो गई है। 4 मिनट में माइक्रोवेव में मैं इसको बनाया है और बीच बीच में मैं हिलाती गई हूँ 1-2 बार, जिससे ये एक दूसरे से चिपके भी नहीं और दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। अब इसमें डाल देंगे हल्का सा चाट मसाला और चटपटी बनाने के लिए चाट मसाला डाल देंगे। दोनों तरह की मूंगफली बनकर तैयार हो गई है, इस पर स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला और इसको चटपटा बनाने के लिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम क्रिस्पी बनी है ये, देखिए ये इसका ऊपर का कवर है, ये देखिए आराम से टूट रहा है। इस तरीके से क्रिस्पी मूंगफली आप लोग भी बनाएं माइक्रोवेव में। दोनों ही मूंगफली 4 मिनट में बनी है, 4 मिनट में माइक्रोवेव मोड पर बनकर तैयार हो गई है दोनों ही मूंगफली। दोनों ही तरह की मूंगफली
बस हो गया। ये बेसन मूंगफली और ये मसाला मूंगफली दोनों माइक्रोवेव में माइक्रो मोड पर 4 मिनट में बनकर तैयार हुई है। आप लोग भी बनाकर देखिए, इस तरीके से क्रिस्पी करारी मूंगफली, ये देखिए। जब मूंगफली ठंडी हो जाएगी तो इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे और 15-20 दिन तक या महीना तक आराम से खा सकते हैं। ठंडा करके किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाकर देखिए किस तरीके से माइक्रोवेव में मूंगफली दोनों तरीके से, ये लेस ऑयल है, बहुत ही कम ऑयल से ये बन जाती है, और इसको बनाकर आप रख लीजिए ठंडा करके किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। महीने भर तक इसे खाया जा सकता है, और नमकीन के साथ खाइए या छोटी छोटी भूख हो तो वैसे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बताएं अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसी लगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।